एक खबर आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं। ट्विटर में उन्होंने तस्वीर साझा की है, ट्वीट कर उन्होंने लिखा है दादा दादी और पोता। तो ये बड़ी खबर, नए साल के आगाज के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के घर किलकारियां गूंजी हैं, खुशियों ने दस्तक दी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं। तो देखिए तस्वीरें, एक अलग ही चमक उनके चेहरे पर नजर आ रही है। देखिए अपने पोते पोती को हाथ में लेने की खुशी जो होती है वो छत्तीसगढ़ के मुखिया के चेहरे पर इस वक्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सेठ है आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जो चमक होती है अपने पोते या पोती को हाथ में लेने की, वो दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के मुखिया के चेहरे पर, और खुशी भी उन्होंने जाहिर की है कि मैं दादा बन गया। बिल्कुल, देखिए जया जी, नया साल है, नए साल की शुरुआत है और अब नई जिम्मेदारी है सेठ की तो है ही, अब साथ में पोते की भी जवाबदारी है। दादा वो बन चुके हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काका कहा जाता था, काका का मतलब होता है काका, चाचा। छत्तीसगढ़ में काका को काका कहा जाता है, लेकिन अब तो दादा बन चुके हैं। चैतन्य बघेल है उनके बेटे का नाम, चैतन्य बघेल के सुपुत्र हैं। भिलाई में ही एक निजी अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री जैसे ही कुमारी शैलजा को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद जैसे ही सूचना आई वो तत्काल जो है भिलाई के लिए रवाना हुए, और फिलहाल अभी भिलाई निवास में ही है। आज उम्मीद कम है कि वो विधानसभा में पहुंचेंगे, सीधा जन आक्रोश रैली में ही वो भाग लेने के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी खबर है, देखिए काफी समय से अवेटेड था, उन्होंने एक बार सूचना भी दी थी कि मैं जल्द जो है दादा बनने वाला हूँ। आज वो खुशी उनके परिवार में आई है और निश्चित तौर पर एक ही बेटा है, देखिए उनका घर में पप्पू नाम है, चैतन्य नाम उनका है, चैतन्य बघेल, और आज बेटा पोता हुआ है तो निश्चित तौर पर एक नई जवाबदारी भी उनकी है और चेहरे पे मुस्कान तो आप ही देख सकते हैं कि किसी भी इंसान के लिए दादा बनने की खुशी क्या होती है। जय जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी। तो दादा दादी बनने का सुख क्या होता है वो इस वक्त इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हम बता दें आपको, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिनकी पिछले साल ही 6 फरवरी को ख्याति वर्मा से शादी हुई थी, और उनकी बहू ने आज एक पुत्र दारी छत्तीसगढ़ के मुखिया के कंधों पर।